साउथ सिनेमा की सुपरहिट फिल्म विक्रम वेधा के हिंदी रीमेक को लेकर काफी लंबे समय से बातें चल रही है। निर्देशक नीरज पांडे ये फिल्म शाहरुख खान के साथ पहले शुरू करना चाहते थे, जो बाद में आमिर खान के पास भी पहुंची। इन दोनों कलाकारों से बात नहीं बन पाने के बाद नीरज पांडे ने ऋतिक रोशन से विक्रम वेधा के रीमेक के लिए हाथ मिलाया। ऋतिक रोशन काफी समय से इस फिल्म की तैयारी कर रहे हैं और ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार वो जून के महीने से इसका पहला शेड्यूल शुरू कर देंगे। फिल्म विक्रम वेधा रीमेक से जुड़े सूत्र ने मीडिया को बताया है कि ऋतिक रोशन विक्रम वेधा रीमेक को जून के महीने से शुरू करेंगे। इसमें वो गैंगस्टर वेधा का किरदार निभाते दिखेंगे। ऋतिक रोशन इस रोल के लिए लगातार तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन मई के महीने में वो किरदार के मुताबिक फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। इसके लिए उन्होंने अभी से ही कमर कसनी शुरू कर दी है। फिल्म विक्रम वेधा रीमेक का डायरेक्शन पुष्कर और गायत्री ही करेंगे, जिन्होंने ओरिजिनल फिल्म बनाई थी। इस समय अभी ये दोनों फिल्म के प्री प्रोडक्शन वर्क में लगे हुए हैं और शूटिंग लोकेशन से लेकर कैरेक्टर्स के लुक्स फाइनल कर रहे हैं। फिल्म विक्रम वेधा रीमेक में सैफ अली खान पुलिस ऑफिसर विक्रम का किरदार निभाते दिखेंगे। सैफ अली खान पिछले कुछ समय से लगातार अपने किरदारों के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और इस फिल्म में उनके डिफरेंट लुक देखने को मिलेंगे। विक्रम वेधा के रीमेक में सैफ और ऋतिक एक साथ स्क्रीन पर दिखेंगे। विक्रम वेधा के साथ साथ ऋतिक रोशन के पास डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद की फाइटर भी है, जो बिग बजट एक्शन एंटरटेनर है।